Cristo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद। तो हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब बता रहे थे वचन में, लुका 24 उसका 32 और 33 में, तो लुका 24 32 में उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई, क्या आग नहीं लग गई? और क्या हुआ, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। अभी वो आ रहे हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मानक ग्रोवर भाई, जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वो उसी घड़ी, लगता खाना भी नहीं खाए, और उसी घड़ी वो उठ करके यरूशलेम को चल दिए। ये होती है आग, खाना वाला सब छोड़ दिया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। वो कितनी दूर से पैदल पैदल चले आ रहे थे, और अभी रोटी तोड़ा ही था, और जैसे ही उनको जब वचन के द्वारा उनके दिलों में उत्तेजना उत्पन्न हुई, उन्होंने क्या किया, सब ये खाना वाना सब छोड़ दिया और यरूशलेम को लौट गए, और उन ग्यारहों और उनके साथियों को इकट्ठे पाया, और क्या किया, बताने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सचमुच जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। मत्ती 17:5 में हम देखते हैं कि जहाँ रूपांतर के पहाड़ पर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, वहाँ पर एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है, 17:5, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हमें प्रभु यीशु के वचन को सुनना है, वचन को सुनना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। अब वहाँ क्या था, पतरस को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। वो आलतू फालतू बातें कर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु हमें यहाँ रहना अच्छा है, यह तेरी इच्छा हो तो हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन स्वर्ग से वाणी आई कि नहीं नहीं नहीं, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, हमें वचन को सुनना है, वचन के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पद और देखते हैं, प्रेरितों के काम 4:19। परंतु पत्रस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हमें प्रभु की बात को मानना है, प्रभु के वचन को सुनना है, और प्रभु के वचन को मानना है, उस पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हमको अपने केवल परमेश्वर की बात को मानना है, और किसी की बात को नहीं मानना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने दोस्तों की तक की बात को नहीं मानना है, केवल परमेश्वर की बात को मानना है। क्या परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, नहीं। इसलिए देखिए, कोई बाइबल में कहाँ पर है कि केवल वचन पढ़ने से, वचन सुनने से हम धन्य हो जाते हैं, ब्लेस्ड हो जाते हैं। आइए उस वचन को देखते हैं हम,
कि केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही हम ब्लेसड हो जाते हैं, केवल पढ़ने मात्र से। ये मिलता है प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय तीसरा पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, वे धन्य है, ब्लेसड है वे जो वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, धन्य है वे। तो केवल मात्र वचन को पढ़ने से, सुनने से हम धन्य हो जाते हैं और उसके वचन पर चलने से हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय को बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के संदर्भ में दो तीन पद को और देखते हैं। भजन संगीता 100। थैंक यू शबनम दीदी। धन्य है वो जिस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। राइट, प्रेज गॉड। तो कुछ और पद को देखते हैं इसी से संबंधित, इसी को सपोर्ट करते हुए। भजन संगीता उसका 119वां अध्याय, 119वां अध्याय और उसका 98 भजन 119 का 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें और उस पे चलें तो क्या होते हैं, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। 99 इसी के आगे, भजन 119 का 99। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा रहता है। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। 199 का 100, 100। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। तो हम अगर प्रभु के वचन को पकड़े रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, तो क्या होंगे, अपने शिक्षकों से भी ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। पुराने नियम में है, ओल्ड टेस्टमेंट में, वो सैमुएल जो था वो सैमुएल जो है अपने एली से भी ज़्यादा समझदार हो गया। ये पहला सैमुएल उसके 13वें पद में लिखा हुआ है कि वो एली तो नहीं समझ पा रहा था, एली को नहीं बुलाया परमेश्वर ने, लेकिन सैमुएल को बुलाया, क्योंकि सैमुएल उसके वचन को सुनने के लिए हमेशा उस समय तत्पर था। तो जब परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हर समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। जो वाणी एली नहीं सुन सका वो सैमुएल ने सुना। तो प्रभु यीशु मसीह भी जो है, तो देखें इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, हालेलुया, इब्रानियों 5 उसका 8, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों 5:8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। ये आज्ञा मानना, वचन पे चलना, प्रभु की आज्ञा मानना, ये कोई वरदान नहीं है, ये एक लेसन है, एक पाठ है जो हमको रोज उस पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह भी पुत्र होने पर भी वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। नो डाउट, हम परमेश्वर के जब वचन को
मानेंगे, उस पे चलेंगे, तो हो सकता है हमें दुख उठाना पड़े, लेकिन दुख उठा उठा करके भी हमको आज्ञा मानना है, उसके वचन पर चलना है, तब क्या हो जाएगा? तब हम सिद्ध हो जाएंगे। देखिए इब्रानियों 5:9 में परमेश्वर क्या कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। भैया को कैसे उस पे करते हो, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छा नेपाल से, वाओ क्या बात, प्रभु आपको आशीष दे राजा भाई, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी, और ऐसा करके वो क्या हो गया, सिद्ध बन गया। तो हमको भी परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन पे चलना है। हालेलुया, यही हमारी बुद्धिमानी है। तो पहली बुद्धिमानी क्या है, मत्ती 7:24 के अनुसार, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लें, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने। और दूसरी बुद्धिमानी क्या है, हमारे मसाल होनी चाहिए और उसके साथ तेल भी होना चाहिए, प्रभु यीशु भी होना चाहिए, उसका वचन भी होना चाहिए। तो प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बुद्धिमानी क्या है, व्यवस्था विवरण 4 और उसके 5 और 6 में अभी हमने जो देखा था कि हमको जब वचन आता है तो एक आग लग जाती है, तब लोग कहते हैं कि जब हम वचन पे चलते हैं तब लोग कहते हैं कि देखो ये जाति कितनी बुद्धिमान है, कितनी समझदार जाति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब चौथी बात देखते हैं इफिसियों पांच उसका 15वां, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इफिसियों 5:15 में है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमें बेवकूफों के समान नहीं चलना है, हमको बुद्धिमानों के साथ चलना है, और बुद्धिमानों के समान चलना है। अब बुद्धिमानी क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और मान लें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस इस दुनिया में आया, कलवरी क्रूस पर उसने कुर्बानी दी, अपने अपने प्राणों की आहुति दी, ये हवन था, यज्ञ था ये, और फिर वो तीसरे दिन वो जी उठा और वो फिर दोबारा आने वाला है। तो उसके आगमन के लिए हमको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसी करनी है, कि हम बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचन पर चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और 16वां, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए आइए एक और वचन देखते हैं, दानियल उसका 8वां अध्याय। हालेलुया, दानियल 8
दानियल आठ, 4 से लेके 6 पद तक। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके आगे बढ़ता जाता है। हो सकता है कि हम अपनी इच्छा पे चलते हुए आगे बढ़ जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन क्या होता है देखिए आगे। मैं सोच ही रहा था, 5वां पद, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। 6ठा, वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। 7वां पद, मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी बस न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। देखिए कैसी कैसी हालत हो गई। 5वें पद में देख रहे हैं कि ये मेढ़ा अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अंत इसका क्या हुआ, उसको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं मिला। अगर हम अपनी इच्छा पे चलेंगे तो कोई भी हमको छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको करना है 1 यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसके 17वें पद में क्या लिखा है। 1 यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसके 17वें पद में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेस्तो, अगर हम अपनी इच्छा पे चलेंगे तो हम मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, हमें नरक से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा अनादिकाल तक हमेशा के लिए वो बना रहेगा, अनंत काल के लिए बना रहेगा। अगर हम अपनी इच्छा पे चलेंगे तो नरक में चले जाएंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो हम अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। अब प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद और देखते हैं, ये है मीका, मीका 6, मीका 6। हाँ, मीका 6:6 से 8 तक, जहां लिखा हुआ है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? 8वां, मीका 6:8 हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा हमारा प्रभु तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम करें, है ना। आइए देखते हैं भजन क्या चाहते, भजन 50, भजन संहिता 50 के। साम 50 में क्या देखते हैं,
मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु या हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। प्रभु कहता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या बकरे का लहू पीऊं? नहीं। प्रभु कहता है 50:14 में, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहे। तो परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं उन सब को हमें मानना है और उस पर चलना है। देखिए 17वें में देखते हैं, 50:17 में प्रभु कहता है, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। कभी ऐसा न करें, परमेश्वर के वचन को कभी तुच्छ न समझें, है ना। 18वां देखें, 18वां अध्याय, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। 19, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये 3 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर 3 आज्ञाएं दी हुई है। पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं थी, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना और भी है, तो यहाँ 18वें पद में देखते हैं, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। तो हमें चोरी नहीं करनी है। चोरी मतलब पैसे की ही नहीं होती है ना। चोरी पैसे की ही चोरी नहीं होती है। मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इटावा में। अगर मैं अपना अपने अपना ड्यूटी, अपना जो दायित्व है टीचिंग का, अगर मैं उसको ठीक से नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सही शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, इधर उधर टाइम पास करके चला आ रहा हूँ, अन्य जो भी काम हमारा बॉस बोलता है, हमारे प्रधानाचार्य बोलते हैं, अगर उनके निर्देशों का हम पालन नहीं कर रहे हैं तो ये भी चोरी है ना। मैं टीचर हूं, अगर मैं ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं तो ये भी चोरी है। केवल पैसे की ही चोरी चोरी नहीं होती है, राइट। तो पहला यहाँ पे हमने 18वें में देखा, पहला नियम जो आज्ञा थी, चोरी ना करना। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, पर स्त्रियों कामियों के साथ भागी हुआ, क्या है, तू व्यभिचार ना करना। प्रभु यीशु कहते हैं, व्यभिचार, अरे तुम किसी स्त्री की तरफ देख करके अपने मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना भी मत लाना। अगर तुमने अपने मन में ही उसके प्रति कोई बुरा विचार अपने मन में रख लिया, दिमाग में रख लिया, तो तुमने विचारों के से उसके साथ व्यभिचार कर लिया। इसलिए यहाँ कहता है कि तू व्यभिचार ना करना। और तीसरा यहाँ पे देखते हैं 19वें में, तू झूठी साक्षी मत देना। तूने अपने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती रहती है। झूठी गवाही देते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद प्रेज न करके, मतलब जिसके बारे में हमको ठीक से पता भी नहीं है कि वो कैसा है, वो फिर भी हम उसके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते। अभी एक घटना हुई हमारे यहाँ कि हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे एक बड़े बाबू थे, बड़े बाबू हैं, उनसे एक फाइल उन्होंने रख दी और फिर वो फाइल नहीं मिली। अब लोग तमाम बातें बताने बनाने लगे कि प्रिंसिपल साहब ही ऐसा काम नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने फाइल उनकी गुम कर दी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, वो फाइल मिल गई और लोग जानते नहीं थे, फिर भी तरह तरह की बातें हमारे प्रधानाचार्य के विरुद्ध में बोलने लगे। तो हम जब भी बुराई मुंह खोले
तो हम जानते नहीं है, फिर भी लोगों की बुराई करते रहते हैं। बीसवां, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। हम जब भी मुंह खोलते हैं क्या करते हैं? हमें केवल प्रेज है, प्रेज करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। शाम को ड्यूटी से आया, प्रभु का धन्यवाद। आज कल रात बिस्तर में लेटे, प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह आंख खुले, प्रभु का धन्यवाद। हर बात में हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है। तो हमें क्या करना है? पहला योहन्ना 2:17 के अनुसार कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उस पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और पद देखते हैं, दूसरा पत्रस, उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां पद। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय और उसके 9वें पद में देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। ये बात सभी के लिए, चाहे हम मसीही हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। हम प्रभु चाहता है कि हम सब का उद्धार हो। इसलिए प्रभु हम सबको मन फिराव का एक अवसर देता है, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर आप प्रभु यीशु को आपने अपना उद्धार कर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो आज अभी भी प्रभु आपको इसी समय ये मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार कर्ता मान करके उसको स्वीकार करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें। और अगर आप मसीही हैं, अगर किसी कारण से कहीं आपसे कोई भूल चूक हो गई है, तो तुरंत प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लें, तुरंत प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लें अब और प्रायश्चित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और पद देख करके समाप्त करते हैं। पहला योहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसके 28 पद में लिखा हुआ है, अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो जब भी प्रभु का जो आगमन है, जब प्रभु आए, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। उस बुद्धिमान सहेलियों की तरह जिन्होंने अपने हर समय तैयार थी, अपनी मसालों के साथ उन्होंने तेल भी अपने साथ रखा था। तो हर समय हमको तैयार रहना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि शैतान ने कोशिश की कि हम बीच में रुक जाएं। लाइट को उसने चल जाने दिया, इन्वर्टर को भी उसने बंद कर दिया था, लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने होने दिया कि हम इसको फिर कंटिन्यू कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वो आपको अपना उद्धार करता मान करके अपने जीवन को बचा सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके इस धीरज के लिए प्रभु जी, कि आप अभी भी प्रभु जी हमारे पापों का बदला, उसका इनाम हमको तुरंत अभी नहीं देते हैं, हमको समय देते हैं मन फिराने का, पश्चाताप करने का, आपकी तरफ हमको मुड़ जाने का प्रभु जी, आपके रास्तों पे चलने का पिता। होने दे पिता कि हम आपके वचन पर चलने वाले हो सके, केवल सुनने वाले ना हो प्रभु। हे प्रभु अब हम प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु आप में इन सबको बहुत आशीष दें। इस आगरा मसीह मंडली पेज पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जो लोग इस समय आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें दे पिता कि वो सब आशीषित हो
और हम इस वचन पे चलने वाले बन सके। हे प्रभु, जो लोग बाद में सुने उनको भी प्रभु जी आप आशीष दे। होने दो पिता कि जो लोग नहीं जानते हैं वो सब प्रभु जी आपको जानने वाले हो सके। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, जो मसीही हैं और जो मसीही नहीं भी हैं प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपको जानने वाले हो सके, आपको अपना उद्धार करता करके मानने वाले हो सके। पिता, प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो किसी कारण से किसी तकलीफ में बीमार हैं, अस्पताल में हैं प्रभु जी, आप उनके छुए उनको चंगाई दें प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोगों का एक्सीडेंट हो गया है किसी कारण से, कुछ समय के लिए कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो गया है प्रभु जी, आप उनको छुए, उनको दर्द से छुटकारा दें और उनको जल्दी से ठीक करें प्यारे परमेश्वर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जिनके घुटनों में टखनों में दर्द होता है प्रभु जी, आप उनको दर्द को दूर करें पिता। हे प्रभु, हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट अगले हफ्ते फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक प्रभु में बने रहें, प्रभु के परमेश्वर के वचन पे चलते रहें, हर समय प्रभु के वचन को ध्यान करें, मनन करते रहें। केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर मनन चिंतन करना है और उसको अपने हृदय में उतार लेना है, जिसको हृदयंगम कहते हैं, वो हृदयंगम कर लेना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, जय मसीह की। Praise the Lord. Hallelujah.